विक्रम लैंडर से इसरो का जैसे ही संपर्क टूटा, करोड़ों दिलों की धड़कनें थम गईं। पूरा देश निराश हो गया, लेकिन विज्ञान कभी निराश नहीं होता। ऐसा ही कुछ इसरो के साथ भी है। इसरो को अभी भी उम्मीद है कि उसका विक्रम लैंडर फिर अपने पैरों पर खड़ा होने का पराक्रम कर दिखाएगा। दरअसल विक्रम लैंडर में ऑन बोर्ड कंप्यूटर है जो खुद ही कई काम कर सकता है। अनुमान है कि विक्रम लैंडर के गिरने से वो एंटीना भी दब गया होगा जिसके जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को कमांड भेजा जा सकता था। इसरो वैज्ञानिक इसी कोशिश में है कि किसी तरह उस एंटीने के जरिए विक्रम लैंडर को वापस अपने पैरों पर खड़ा होने का कमांड दिया जा सके। विक्रम लैंडर के नीचे की तरफ 5 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जिसके जरिए इसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। इसके अलावा विक्रम लैंडर के चारों तरफ भी थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान उसकी दिशा तय करने के लिए ऑन किए जाने थे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये थ्रस्टर्स अब भी सुरक्षित होंगे। लैंडर के जिस हिस्से में कम्युनिकेशन एंटीना दबा हुआ है वहां भी थ्रस्टर्स हैं। ऐसे में अगर पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन से भेजे गए कमांड को सीधे या फिर ऑर्बिटर के जरिए दबे हुए एंटीने ने रिसीव कर लिया तो उसके थ्रस्टर्स को ऑन किया जा सकेगा। थ्रस्टर्स ऑन होने पर विक्रम वापस उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसमें से रोवर प्रज्ञान को भी बाहर निकाला जा सकेगा और इस मिशन से जुड़े वे सारे प्रयोग पहले की तरह ही किए जा सकेंगे जिनके लिए चंद्रयान 2 को भेजा गया है। इस काम के लिए अभी विक्रम के पास 11 दिनों का वक्त बचा है क्योंकि अभी ल्यूनर डे चल रहा है और एक ल्यूनर डे धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। क्योंकि रात के वक्त ये काम आसान नहीं होगा और यहाँ की रात भी 14 दिन लंबी ही होगी। ऐसे में पूरे देश को अभी भी उम्मीद है कि विक्रम उठेगा, पराक्रम करेगा।